के बारिश में तो ये कारे जियां होना ही था, अपनी कच्ची बस्तियों को बेनिशां होना ही था। किसके बस में था हवा की वहशतों को रोकना, बर्गे गुल को खाक, शोलों को धुआं होना ही था। मोहसिन नकवी साहब ने जब ये लिखा होगा तो सोचा नहीं होगा कि उनकी ये पंक्तियां वायनाड में आए जलजले पर बिल्कुल सटीक बैठ जाएंगी। हालांकि मोहसिन नकवी साहब जब कहते हैं किसके बस में था हवा की वहशतों को रोकना, तो शायद वायनाड में इन वहशतों को रोका जा सकता था, बस थोड़ी जिम्मेदारी उठा ली गई होती गर समय रहते। वायनाड केरल का एक जिला जो अपने कैंपिंग, ट्रैकिंग, झरने, गुफाओं जैसे शानदार खूबसूरती की भरमार के लिए प्रसिद्ध है, दुनिया के पर्यटकों की पसंदीदा जगह में से एक है। लेकिन आज यही वायनाड खून के आंसू रो रहा है, चारों तरफ मातम पसरा हुआ है, लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, क्योंकि वायनाड लैंडस्लाइड में मौतों का आंकड़ा कितना पहुंच चुका है इसका अंदाजा भी लगा पाना मुश्किल है। अभी तक रिपोर्ट कहती है कि 341 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है, 206 की पहचान भी कर ली गई है, हजारों लापता हैं, डेड बॉडी ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं, क्या इस हादसे के जिम्मेदार सीएम पिनराई विजयन, सांसद राहुल गांधी ने 5 साल में इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया? अवैध खनन पर मुख्यमंत्री और सांसद ने रोक क्यों नहीं लगाई? क्योंकि वायनाड में भूस्खलन की यह घटना कोई नई नहीं है। 2019 में जब राहुल गांधी वायनाड के पहली बार सांसद बने थे तब भी इसी तरह का हादसा हुआ था, लेकिन ऐसी आपदा को कैसे टाला जाए किसी ने नहीं सोचा, जबकि पिछले कई सालों से तमाम रिपोर्ट आई जिसमें चेताया गया वायनाड ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां से वो कभी भी टूट कर गिर सकता है, बह सकता है, जिंदगियां तबाह हो सकती हैं। द न्यूज मिनट की ये रिपोर्ट देखिए, 16 अगस्त 2019 को छापा गया, नॉट जस्ट ट्रेन्स अलाइंग क्वेरिंग इन इको सेंसिटिव जोन्स आल्सो टू ब्लेम फॉर केरला लैंडस्लाइड्स, यानी सिर्फ बारिश ही नहीं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में उत्खनन की अनुमति भी केरल के भूस्खलन के लिए जिम्मेदार है। इस हेडलाइन के साथ रिपोर्ट में बताया गया कि 2019 में लैंडस्लाइड से 500 से ज्यादा लोग मारे गए, 2018 में भी 433 लोगों की जान गई थी। डेक्कन हेराल्ड ने अपनी 2019 की रिपोर्ट में 30 सितंबर को लिखा था, अवैध खदानें केरल वासियों के लिए संकट पैदा करती हैं। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि वायनाड सहित केरल के कई हिस्सों में लैंडस्लाइड से हजारों जाने गई, सैकड़ों घर तबाह हुए। एक रिपोर्ट में तो यहां तक चेताया गया कि अवैध खनन को रोकना बेहद जरूरी है। रिपोर्ट में कहा गया, पर्यावरण पैनल का कहना है कि केरल में उत्खनन पर अधिक निगरानी की जरूरत है। केरल की पत्थर खदानें 7157 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर रही हैं और उनका प्रभाव पश्चिमी घाट क्षेत्र, विशेष रूप से इडुक्की, मल्लपुरम और वायनाड जिलों में अधिक महसूस किया जाता है। लेकिन मजाल किसी की, इधर ध्यान दे लें, न सीएम को कोई फिक्र हुई न सांसद को, यही वजह है कि आज वायनाड रो रहा है। जिसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया अपनी रिपोर्ट में कहता है, वायनाड त्रासदी, भूस्खलन प्रभावित केरल पंचायत मेपड़ी में हर साल 380 से अधिक इमारतें बनती हैं। रिपोर्ट कहती है मेपड़ी पंचायत, जिसमें उच्च भूस्खलन क्षेत्र शामिल है, विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र में निर्माण ज्यादा है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्थानीय निकाय द्वारा पंजीकृत आवासीय और गैर आवासीय सहित 380 से अधिक इमारतें हर साल पंचायत सीमा के भीतर आती हैं। 2021-22 में मेपड़ी पंचायत में 431 नई इमारतें दर्ज की गई और 2016-17 में यह 385 थी, ये अवैध तरीके से बनाई गई। मेपड़ी पंचायत में नई इमारतों का निर्माण, 2016-17 में 385 अवैध निर्माण, 2017-18 में 406 अवैध निर्माण, 2018-19 में 338 अवैध निर्माण, 2019-20 में 366 अवैध निर्माण,
2020-21 में 225 अवैध निर्माण, 2021-22 में 431 अवैध निर्माण। वायनाड जिले में नई इमारतों का निर्माण 2021-22 में 12,171 अवैध निर्माण, 2016-17 में 10,471 अवैध निर्माण। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि किन किन पंचायतों गांवों में ज्यादा लैंडस्लाइड होती है, लेकिन इतनी रिपोर्ट मिल जाने के बाद भी जिम्मेदार लोग खामोश बैठे रहे, चाहे वो सीएम पिनराई विजयन हो या फिर सांसद राहुल गांधी। अब जब वायनाड टूट रहा है, टूट कर बिखर रहा है, डूब रहा है, बह रहा है, लोग परेशान हैं, तो राहुल गांधी वायनाड पहुंच रहे हैं। 5 साल तक उन्हें यहां तक अवैध खनन नहीं दिखा, ना इसे रोकने का कोई प्रयास किया गया। अगर समय रहते सरकार और सांसद आंख खोल लेते तो आज 300 से ज्यादा लोग जिंदा होते हैं।